लंबी दीवार है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार। यही वो महल है जहां पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। इसी सामने वाले दरवाजे के अंदर भैरव बाबा का शीश कटकर यहीं पर गिरा, इसीलिए इस मंदिर को बनाया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को दिखाने के लिए, जो कि कैलवाड़ा में हम रुके हुए थे। तो कैलवाड़ा से लगभग 7 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ का किला है, जहां से सुबह सुबह कोई भी वाहन वगैरह नहीं मिलता है वहां तक पहुंचने के लिए, 12 बजे ही बस आती है। तो लगभग वहां से हम लोग पैदल चले और अभी हम पहुंच चुके हैं इन घाटियों में। यहां से देखोगे तो कुंभलगढ़ 3 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह की घाटियां यहां पर लगभग आपको हर एक जगह देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी सुंदर व्यू इनका दिखाई देता है। इन घाटियों को पार करते हुए हम पहुंचेंगे कुंभलगढ़ किले पर और देखेंगे वर्ल्ड की दूसरी सबसे लंबी दीवार, यानी कि 36 किलोमीटर लंबी दीवार बताई जाती है और इतनी चौड़ाई बताई जाती है उसकी 15 फुट, जिस पर 5 घुड़सवार एक साथ चल सकते थे। अभी तो ये जून का महीना चल रहा है, फिर भी यहाँ पर हरियाली काफ़ी कुछ दिखाई दे रही है। लगभग बरसात टाइम के बाद यहाँ पर इतना सुंदर व्यू होता है, चारों तरफ ये हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं, तो इन घाटियों में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब यहाँ से हम कुंभलगढ़ किले के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मिलते हैं कुंभलगढ़ किले पर। आ जाइए, तो अभी हम आ चुके हैं कुंभलगढ़ किले के सर्वप्रथम द्वार पर, यानी कि पहले गेट पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हल्ला पोल, यानी कि यहाँ पर ऐसे टोटल 9 दरवाजे हैं। तो पहले दरवाजे को हम पार करेंगे, देख सकते हो किस प्रकार से उस समय से बनाया गया था और काफ़ी मजबूत और बड़ा दरवाजा है, एक समय यहाँ पर गेट रहा होगा। यहाँ से जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक मोड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक दरवाजे पर एक मोड़ बनाया गया था सिक्योरिटी रीजन से। आ जाइए, तो अभी हम आ चुके हैं कुंभलगढ़ किले के बिल्कुल पास में। यहाँ से आप देखोगे तो कुंभलगढ़ का जो किला है वो आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ी पर, और सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा बादल महल। तो यहाँ से इसके जो बुर्ज हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। बताया जाता है कि हर 15 से 20 फुट की दूरी पर एक बुर्ज बनाया गया था, 15 फुट चौड़ी दीवार और वर्ल्ड की दूसरी सबसे लंबी दीवार, यानी कि 36 किलोमीटर लंबी इसकी दीवार है, उसको देखने के लिए हम चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस किले की जो नींव है, जो 15वीं शताब्दी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराणा कुंभा, उन्होंने रखी थी और इसे बनने में लगे थे 15 साल, यानी कि 1443 से इसकी जो नींव डाली गई इसका काम शुरू हुआ और 1458 में यह बनकर प्रारंभ हुआ। उसके बाद कई अन्य राजाओं ने भी थोड़ा बहुत इसका निर्माण करवाया। तो चलिए हम इस किले के मुख्य द्वार से एंट्री लेते हैं और इस किले को बारीकी से पूरा विजिट करते हैं। हल्ला पुल गेट के बाद लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें एक और गेट मिला है, जो कि इसका नाम है हनुमान पोल। यहाँ पर देखोगे तो हनुमान जी महाराज की प्रतिमा भी बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर लोग बाग पूजा भी करते हैं और इस गेट को बोला जाता है हनुमान पोल। इस गेट की अगर आप मजबूती की बात करें तो काफ़ी मजबूत ये गेट है, काफ़ी बड़ा है और नुकीले तीर भी लगे हुए हैं जो शत्रुओं के हाथियों को इस गेट को तोड़ने से रोकते थे। इस गेट को हम जैसे ही पार करेंगे तो दोनों तरफ जो सैनिक हुआ करते थे इस गेट की सुरक्षा में बैठा रहा करते थे। और यहाँ से एक फिर से एक मोड़ दिखेगा हमें, और इस मोड़ को हम पार करेंगे तो फिर से एक और गेट हमें दिखाई देगा। हनुमान पोल गेट को पार करने के बाद लगभग 20 मीटर दूर ये एक और गेट हमें देखने को मिला है, जिसका नाम है राम पोल। इस गेट के बाहर आप देखोगे तो काफ़ी सारे बुर्ज बने हुए हैं और वो लंबी दीवार बनी हुई है। इस तरफ भी देखोगे तो आपको हर 15 से 20 फुट की दूरी पर एक बुर्ज दिखाई देगा, और इस गेट को पार करके ही हम किले के अंदर एंट्री ले रहे हैं। आ जाइए,
अभी हम आ चुके हैं कुंभलगढ़ किले के पांचवें गेट पर और इसे फर्स्ट गेट भी कहा जाता है। इस गेट का नाम है भैरव पोल, यानी कि इसी गेट से इस किले के बनने की कहानी शुरू होती है। बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी में जो चित्तौड़ के राजा हुए थे महाराणा कुंभा जी, तो उन्होंने अपने शासनकाल में 32 किलों का निर्माण किया था, क्योंकि महाराणा कुंभा जी को एक वरदान था, ना तो उन्हें कोई हरा सकता था ना मार सकता था, इसलिए उन्होंने जहाँ भी युद्ध किया वहाँ विजय प्राप्त की। तो उन्होंने जो 32 किले बनवाए थे उनमें से ये कुंभलगढ़ किला एक अलग ही अपना वजूद रखता है, ये अजय किला है, कभी भी कोई इसे जीत नहीं पाया है। बताया जाता है कि जब 1443 में महाराणा कुंभा जी यहाँ पर आए तो उन्होंने इस किले का निर्माण करवाने के लिए इसकी नींव डाली, और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे मंडन जी। जब इसकी नींव डाली तो लगभग 6 से 7 बार इसकी जो दीवारें बनाई गई, दिन को बनाते थे रात को टूट जाया करती थी। तो इस बात से महाराणा कुंभा जी बहुत चिंतित हुए कि आखिरकार इस किले की दीवारें अपने आप ही रात में टूट क्यों जाती हैं। तब उन्होंने यहाँ के आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला कि इस अरावली पर्वत श्रृंखला में एक मैण बाबा जी तपस्या करते हैं और वो इस पहाड़ी के बारे में सबसे अधिक जानते थे। तब महाराणा कुंभा जी और जो आर्किटेक्चर थे इस किले को बनाने वाले, जिन्होंने इस किले का नक्शा बनाया, मंडन जी, वो मैण बाबा यानी कि इनका नाम था भैरव बाबा के पास जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि हे भैरव बाबा, हम इस पहाड़ी पर किला बनाना चाहते हैं और बार बार इसकी दीवारें गिर जाती हैं, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे किले का निर्माण हो सके। तब भैरव बाबा बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर नर बलि देगा, यानी कि अपनी बलि देगा अपनी स्वेच्छा से, तभी यहाँ पर किले का निर्माण हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। उसके बाद महाराणा कुंभा जी ने अपने पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नरबलि देना चाहता है तो दे सकता है, इसके बाद ही यहाँ पर किले का निर्माण हो सकेगा। लेकिन कोई भी अपनी स्वेच्छा से बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब जो भैरव बाबा थे वो स्वयं महाराणा कुंभा जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं स्वयं अपनी बलि देना चाहता हूँ और मैं स्वयं इस किले का निर्माण का असली हकदार बनूंगा। तब वो भैरव बाबा जी हैं वो एक शर्त रखते हैं कि जहाँ से मैं चलना प्रारंभ करूँगा और जहाँ पर मैं रुकूँगा वहीं तक इस किले का निर्माण किया जाएगा। तो जो भैरव बाबा जी थे, जिसका ये नाम है भैरव पोल, यहीं से उनने चलना प्रारंभ किया था और यहाँ से कुछ दूर चलने पर उन्होंने अपना शीश काटा था। वहाँ पर उनका कटे हुए शीश का जो एक छोटा सा मंदिर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये है भैरव पोल, यानी कि उन्हीं बाबा जी के नाम पर इस गेट का नाम भैरव पोल रखा गया। यहाँ पर देखोगे तो नुकीले तीर लगे हुए हैं और उसी समय का काफ़ी मजबूत ये गेट बना हुआ है। इस तरफ उस समय सैनिक बैठा करते थे और हर एक गेट पर आप देखोगे तो एक मोड़ मिलेगा, क्योंकि ताकि जो शत्रु है भारी मात्रा में एक साथ किले के अंदर एंट्री ना कर सके। आ जाइए, यहाँ पर देखोगे तो इस दीवार पर जो सैनिक थे वो खड़े रहा करते थे, छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं जहाँ से वो दुश्मनों पर नज़र रखा करते थे, उन पर वार भी किया करते थे। भैरव पोल जो गेट अभी हमने पार किया है, उस गेट से जब भैरव बाबा चलते हैं हाथ में तलवार लेकर, तो यहाँ पर जो ये मंदिर बना हुआ है यहीं पर वो अपना शीश काट देते हैं, यानी कि उस समय कोई मंदिर नहीं था, भैरव बाबा का शीश कटकर यहीं पर गिरा, इसीलिए इस मंदिर को बनाया गया था। और यहाँ से शीश कटने के बाद 700 मीटर दूर तक भैरव बाबा जी गए हुए थे, वहीं तक किले का निर्माण है जो कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे
तो सीधा चट्टानों पहाड़ियों पर दीवारों का निर्माण है और वहां पर आप देखोगे तो वॉच टावर बना हुआ है जो सबसे ऊंचाई पर है, जिस पर सैनिक खड़े होकर पूरे एरिया पर नजर दिया करते थे। क्योंकि जो इस फोर्ट की जो बनावट है, लगभग आप इसके नज़दीक भी आ जाओगे ये दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ जब आप इससे 400 से 500 मीटर दूर रहोगे तभी ये आपको नज़र आएगा। ये इस फोर्ट की खासियत है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सैनिक खड़ा रहा करते थे, तो इसमें तीन हॉल दिखाई दे रहे हैं, एक जो सामने नज़र रखने के लिए बनाया गया था, एक जो नीचे नज़र रखने के लिए, और ये अगर कोई शत्रु इस पर चढ़ाई कर रहा है तो यहाँ से फलता हुआ पानी उसके ऊपर डाला जाया करता था। यानी कि इस दीवार में तीन प्रकार से शत्रु पर हमला करने के लिए छिद्र बनाए गए थे उस समय, ऐसे ही सारी दीवार में बने हुए। भैरव पोल गेट को पार करने के बाद हमने एक और गेट को पार किया जिसका नाम है नीम पोल, और इसके बाद अब लगभग हम किले के ऊपर ही पहुंचने वाले हैं। आ जाइए, ये छठा गेट था किले का। अभी हम पहुंच रहे हैं वॉच टावर पर, यानी कि ये वॉच टावर है। तो इस वॉच टावर पर उस समय सैनिक खड़ा रहा करते थे। यहाँ पर खड़े होकर चारों तरफ छिद्र बने हुए हैं, तो इनसे सैनिक नीचे शत्रुओं पर नजर रखा करते थे, उन पर हमला भी किया करते थे। चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र आप देख सकते हो। यहाँ से आप देखोगे तो सामने आपको बादल महल और एक गेट दिखाई दे रहा होगा। तो इस चढ़ाई को चढ़ के हम ऊपर पहुँचेंगे और वहाँ की हर एक चीज को बारीकी से जानेंगे। यहाँ से आप देखोगे तो जो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिससे 15 फुट की चौड़ाई बताई जाती है और जिस पर 5 घोड़े एक साथ दौड़ा करते थे उस समय, वो दिखाई दे रही है। और इन घाटियों से होते हुए सीधे 36 किलोमीटर को ये कवर करती है। नीचे के सारे मंदिर भी दिखाई दे रहे हैं, घाटियाँ भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच में कुछ इस तरीके से इस किले का निर्माण हुआ था कि 500 मीटर से अधिक दूरी से दिखता भी नहीं है। जब मानसून आते हैं, बादल आते हैं ना, तो ये बादल महल जो यहाँ पर बना हुआ है उसे बादल ढक लेते हैं, वो तो दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए उसका नाम बादल महल रखा गया है। और अब आ चुके हैं हम इसके सातवें द्वार पर, यानी कि इसका नाम है चौगान पोल। इस गेट को भी हम पार करते हैं। यहाँ पर देखोगे तो काफी मजबूत नुकीले तीर उस समय लगाए गए थे, हर एक गेट बहुत मजबूत है, दोनों तरफ सैनिक बैठा रहा करते थे इस गेट की सुरक्षा को लेकर। आइए, इस तरफ आप देखोगे तो उस समय की तोपें यहाँ पर रखी हुई हैं। आइए उन तोपों को देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो अष्ट धातु से बनी हुई तोपें चरखे पर रखी हुई हैं, राजा महाराजाओं के समय की, जो कि इन तोपों को उस समय युद्ध में काम लिया जाता था। ये जो तोप है कुछ टूट चुकी है लेकिन यहाँ पर रखी हुई है। सामने आप देखोगे किस तरह से इन तोपों को चलाया जाता था, एक चित्र यहाँ पर बना हुआ है। इसी प्रकार से और भी तोपें यहाँ पर रखी हुई हैं। इन तोपों को देखते हुए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं। आइए, अभी हम आ चुके हैं महाराणा कुंभा जी के महल में। यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ है कुंभा महल। तो सामने ये जो महल दिखाई दे रहा है यही है महाराणा कुंभा जी का महल, क्योंकि उस समय सबसे पहले यही महल बनाया गया था छोटा सा, और इसी में महाराणा कुंभा जी रहा करते थे। क्योंकि महाराणा कुंभा जी का जीवन जो था बहुत लंबा था, बताया जाता है कि ना तो उन्हें कोई हरा सकता था ना मार सकता था। तो जब महाराणा कुंभा जी 32 किले महलों का निर्माण करा देते हैं, तो फिर उनके जो बड़े बेटे थे उदयकरण जी, वो सोचते हैं कि मैं कब राजा बनूंगा, ना तो मेरे पिता को कोई मार सकता है ना हरा सकता है, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। तब यहीं पर एक शिव मंदिर है जहाँ पर वो भगवान शिव की
संध्या आरती के लिए गए हुए थे, तो वहां पर उदयकर्ण ने अपने पिता महाराणा कुंभा को धोखे से मार दिया। ये इतिहास में सबसे बड़ा कलंक है यहाँ पर। और उसके बाद वो महाराणा भी नहीं बन पाए, कुछ ही समय उनके जो बड़े बेटे थे उदयकर्ण, उन्होंने शासन किया, फिर बिजली गिरने से उनकी मौत हुई। फिर उनके जो छोटे बेटे थे उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राणा सांगा जी। राणा सांगा जी को तो आपने सुना ही होगा, बताया जाता है कि 80 गांव में उनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं था। जिन्होंने इतने युद्ध लड़े उनके नाम से दुश्मन कांप जाया करते थे। युद्ध की इतनी गहरी जिद थी, इतना जुनून था युद्ध लड़ने का उन्हें, जो युद्ध में उनका एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, एक आँख चली गई, फिर भी युद्ध लड़ने के लिए तत्पर रहा करते थे। राणा सांगा जी का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इतिहास में राणा सांगा जी को एक बहुत ही महान योद्धा माना जाता है। तो जो बादल महल अभी हमने देखा था, बादल महल को जो महाराणा फतेह सिंह जी थे उन्होंने बनवाया था अभी लगभग 18 से 19वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम जब 14 से 15वीं शताब्दी के बीच में इसी कुंभा महल का निर्माण किया गया था, और यहीं पर महाराणा कुंभा जी रहा करते थे। सामने एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है जिसमें महाराणा कुंभा जी पूजा किया करते थे। यहाँ पर अब हम चल रहे हैं तो यहाँ पर एक सुरंग जैसा हमें दिखाई देगा। बताया जाता है कि यहाँ पर जो सुरंग है, तो जो प्रेम रतन धन पायो मूवी में उसी सुरंग में सलमान खान को बंद कर दिया गया था। यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो दीवारें टूटी हुई दिखाई दे रही हैं, तो बताया जाता है कि एक बार बताया जाता है कि जब चित्तौड़ का युद्ध हुआ और जिसमें अकबर की सेना यानी कि मानसिंह हार गए, तो उसके बाद महाराणा प्रताप जी जो थे इसी कुंभलगढ़ किले में आकर के रुके थे। उसके बाद जब अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप जी कुंभलगढ़ में रुके हुए हैं, तो उन्होंने अपना एक नया सेनापति बनाया जिसका नाम था शाबाश खान को यहाँ पर भेजा, लेकिन वो इन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में खो गया, वो यहाँ पर पहुँचने में सफल नहीं हो पा रहा था। तब यहाँ पर महल में रोज जो मालें होती हैं, जो फूल और सब्जी फल वगैरह यहाँ पर लाया करती थी, उनको पकड़कर शाबाश खान ने यहाँ का जबरन रास्ता पूछा और यहाँ पर आया, किले पर चढ़ाई की। तो महाराणा प्रताप जी तो यहाँ पर नहीं थे, वो यहाँ से देवरी के जंगल जो दूर बताए जाते हैं चुलिया ग्राम में, वहाँ पर गए हुए थे। भामा साय जी द्वारा उन्हें कुछ धन दिया जा रहा था, क्योंकि चित्तौड़ के बाद महाराणा प्रताप जी का काफ़ी लॉस हुआ था, सेना का भी और धन का भी। तो महाराणा प्रताप जी के कजन यहाँ पर रहा करते थे, उनसे शाबाश खान का काफ़ी युद्ध हुआ, जिसमें यहाँ तक वो आ गया था, इसके आगे नहीं आ पाया और वो युद्ध हार गया। जब युद्ध हार के वो यहाँ से वापस जा रहा था, तो महाराणा प्रताप जी को पता चला कि शाबाश खान ने कुंभलगढ़ पर हमला किया है। तो महाराणा प्रताप जी ने वहाँ पर शाबाश खान से युद्ध किया, और बताया जाता है कि इतना भयंकर युद्ध हुआ कि महाराणा प्रताप जी ने शाबाश खान को वहाँ पर जान से मार दिया। उस युद्ध में महाराणा प्रताप जी की विजय हुई, और उस युद्ध को जो चुलिया ग्राम में हुआ था देवरी के जंगल में, उस युद्ध को मैराथन ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है। बहुत भयंकर युद्ध हुआ था उस समय। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे कक्ष, अलमीरा वगैरह, तो जब महाराणा कुंभा जी ने इस किले का निर्माण किया तो रानियों के लिए ये कक्ष बनाए गए थे। यहाँ पर आप आओगे तो एक और कक्ष आपको दिखाई देगा जो बेहद खूबसूरत है, और इसे हवा महल कहा जाता था, क्योंकि इसमें तीन तरफ से हवा आया करती थी। खुली खुली खिड़कियाँ, विंडो आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ का जो सारा नज़ारा है आपको दिखाई देगा। 36 किलोमीटर लंबी दीवार भी दिखाई देगी, कई आपको पानी के स्टॉक करने के बांध दिखाई देंगे, और 360 से भी अधिक मंदिर जो बने हुए हैं वो भी दिखाई देंगे। इसी प्रकार की तीन खिड़कियां यहां पर बनी हुई हैं। तो इन खिड़कियों को देखते हुए अब हम मंदिर समूह को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंदिर इतने बने हुए हैं जितने तो यहाँ पर महल भी नहीं। यहाँ पर जो छोटे छोटे कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कक्ष उस समय महाराणा कुंभा जी के खास सैनिकों के हुआ करते थे। यहाँ पर उनके खास सैनिक रहा करते थे इन कक्षों में, लेकिन आज इन कक्षों में आप देखोगे
तो अधिकांश चमगादड़ ही चमगादड़ आपको दिखाई देंगे। चमगादड़ों का मल यहाँ पर पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ठंडक है काम। यहाँ पर देखोगे तो महाना कुंभा जी के महल के सामने आम के दो वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं जो लगभग अधिक पुराने नहीं हैं, लेकिन इतनी भयंकर पहाड़ी पर आम के वृक्ष को लगाना भी और उनकी सिंचाई करना भी एक बहुत बड़ा कार्य माना जाएगा। तो ये देखा हमने महाना कुंभा जी का महल, और हम आपको बता दें यही वो महल है जहाँ पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। इसी सामने वाले दरवाजे के अंदर महाराणा प्रताप जी ने जन्म लिया था, इसी कमरे में, और इसी महल में वो पलकर बड़े हुए। उसके बाद वो चित्तौड़गढ़ चले गए, यानी कि जितने भी महाराणा हुए चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के, तो कुंभलगढ़ में ऐसा कोई भी नहीं जो ना आया हो और कुंभलगढ़ में आश्रय ना लिया हो और कुंभलगढ़ ने उनकी सहायता ना की हो, क्योंकि कुंभलगढ़ देवी शक्ति से भरा हुआ है, इसे आशीर्वाद है। आज भी 600 वर्ष इसे हो चुके हैं बने, लेकिन आज तक ना तो इसकी किसी दीवार में ना किसी छत में कोई भी क्रैक नहीं आया, क्योंकि ये जो भूमि है तपोभूमि है और ये भूमि एक शक्तिशाली भूमि है। हमेशा इसने महाराणाओं का साथ दिया, उनकी सहायता की, और सदियों तक ये इसी तरीके से अजय बना रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही है अजय दुर्ग, यानी कि कुंभलगढ़ का अजय किला। और अब हम पहुंच चुके हैं इसके 8वें गेट पर जिसका नाम है पागड़ा पुल। इस गेट को पार करके यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक ऐसे ही बैठा रहा करते थे, और इस तरफ हमें चलना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये लाइट आपको लगी दिखाई दे रही है, तो ये नाइट में यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो सिस्टम होता है, जिसका टिकट है 150 रुपये का पर व्यक्ति का, लेकिन अभी दिन में तो 40 रुपये ही लगते हैं एक व्यक्ति के। आ जाइए, इस तरफ आप देखोगे तो एक काफ़ी बड़ा जो बरिया का वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है और नीचे कुछ दाना लुमा बनी हुई। तो बताया जाता है कि ये लेडीज़ों के लिए बनाया गया था उस समय। और हम इस तरफ जाएंगे तो सामने सबसे ऊंचा जो दिखाई दे रहा है जिसे बोला जाता है बादल महल, यहाँ पर ऊपर हम जाएंगे तो बादल महल में पहुँच जाएंगे जो सबसे सुंदर है, और जब बरसात के समय में इसे ही बदली अपने आप में ढक लेती है, इससे नीचे पहुँच जाती है। तो काफ़ी सारे कक्ष यहाँ पर बंद भी पड़े हुए और कई मोड़, यानी कि हर एक दरवाजे से थोड़ी दूर जाते हैं मोड़ दिखाई देता है, यानी कई मोड़ लेते हुए हम इस पहाड़ी पर पहुँच रहे हैं। अभी जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं इस दरवाजे को पार करते ही हम बादल महल के अंदर पहुँच जाएंगे, तो यहाँ से तो एंट्री बंद है, दूसरी जगह से हम एंट्री लेते हैं। आ जाइए, यहाँ से पूरा जो कुंभलगढ़ की घाटियाँ हैं, जो दीवारें हैं वो देखेंगे आप, तो एक अलग ही व्यू दिखाई देगा। अभी हम आ चुके हैं बादल महल में, और बादल महल में यहाँ पर देखोगे एक मंदिर भी बना हुआ है, और इस तरफ बीचों बीच में यहाँ पर शायद उस समय हो सकता हो माता तुलसी का पेड़ रहा होगा, ये बना हुआ है। और अंदर अब हम चल रहे हैं, ऊपर देखोगे तो काफ़ी ऊंचाई पर भी ये बना हुआ है, और इस तरफ कुछ गेटों में ताले लगे हुए हैं। यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी सारे दरवाजे यहाँ पर बने हुए हैं और इनके अंदर ताले भी लगे हुए हैं, इस प्रकार के कुछ ताले और कुंडी उस समय हुआ करती थी, आप देख सकती हो, और इनमें भी सांकड़ से ताला लगा दिया जाता था।
इसका जो निर्माण है लगभग 18 से 19वीं शताब्दी के बीच में भी हुआ है, इसीलिए इसकी जो गेट है काफी कुछ बिल्कुल साबित देखने को मिलता है। यहाँ पर देखोगे आप तो राजा महाराजा अधिकांश यहाँ पर बैठा करते थे, क्योंकि हवा का काफी अच्छा यहाँ पर आओ रहता था, हवा काफी आती थी यहाँ पर आवागमन। काफी सुंदर इसकी बनावट हमें दिखाई दे रही है और इसके अंदर भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, हो सकता है रानियों के कक्ष हो, छोटा सा एक कक्ष बना हुआ है, अलमीरा वगैरह भी बनी हुई है। उस समय जब राजा और रानी यहाँ पर बैठा करते थे तो यहाँ पर पर्दे डाल दिए जाते थे, छले लगे हुए और छलों के ऊपर शीशा लगाने के लिए भी बना हुआ है, और ऊपर जो छले लगे हुए हैं उनमें जंजीरें बिधाकर यहाँ पर राजा महाराजा झूला झूला करते थे। सामने आपको झरोखे दिखाई दे रहे होंगे जिनसे काफी ठंडी हवा आया करती। आइए अभी शोर चलते हैं। यहाँ से एक छोटे से दरवाजे को हम पार करेंगे, ऊपर की ओर चलेंगे, इसके ऊपर अभी हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम बादल महल की सबसे ऊंची छत पर आ चुके हैं। यहाँ से देखोगे तो इसके जो गुंबद हमें दिखाई देते थे नीचे से वो भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे घाटियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, अरावली पर्वत श्रृंखला, और ये जो लंबी दीवार है 36 किलोमीटर लंबी दीवार वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ से इतनी ऊंचाई पर ये बना हुआ है कि लगभग जो बादल हैं इसको ढक लेते हैं, और दीवार पर सैनिकों के खड़े होने की जगह और उनके अस्त्र चलाने की जगह भी आपको नजर आ रही होगी। और वहाँ पर जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, अभी हम उस मंदिर पर आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि जो राणा कुंभा थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और यहीं पर एक मंदिर में भगवान की भक्ति करते समय उन्हीं के बेटे उदयकांड ने उनका धोखे से वध कर दिया था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी शीश काट दी गई थी। तो उस मंदिर पर भी हम चलेंगे। यहाँ से देख सकते हो इतनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान के बिल्कुल पास पहुँच गए हों। बहुत गहराई और इन झीलों के बीच में, चट्टानों के बीच में उस समय कैसे यहाँ पर आना जाना संभव होता होगा ये आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि कभी भी कोई इस किले को जीत नहीं पाया। 17 बार इस किले पर आक्रमण किए गए और एक बार भी इसे कोई जीत नहीं पाया। यहाँ तक कि जब भी चित्तौड़ के किसी भी राजा पर कोई मुसीबत आती थी तो वो कुंभलगढ़ आ जाया करते थे, क्योंकि कुंभलगढ़ एक अजय दुर्ग है और हर समय ये जो महाराणा प्रताप जी के वंशज हुए उनको इसने सहायता प्रदान की, और इसी किले में महाराणा प्रताप जी का भी जन्म हुआ, और इसी किले में महाराणा उदय सिंह जी का भी पालन पोषण पन्ना दाह द्वारा किया गया। आपको बता दें कि ये जो कुंभलगढ़ किला है ये मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इस तरफ जो दूर आपको गांव दिखाई दे रहे हैं वो मारवाड़ के गाँव हैं और ये मेवाड़ की सीमा में, यानी कि चित्तौड़गढ़ की, यानी कि इसकी जो राजधानी है चित्तौड़गढ़ है। अभी फिलहाल में ये राजसमंद जिले में पड़ता है। आइए अब यहाँ से हम नीचे के लिए चलते हैं। यहाँ से देखोगे तो नीचे का आंगन भी दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से आंगन हुआ करते थे उस समय। उस समय छत को मजबूती देने के लिए इस प्रकार के इंटरलॉक लगाए गए थे, जो एक छत्ती को दूसरी छत्ती से जोड़कर रखता है, जिससे छत हजारों वर्षों तक मजबूती से खड़ा रहे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये उन्हीं भैरव बाबा जी का मंदिर है जिन्होंने इस किले के निर्माण के लिए स्वेच्छा से अपनी बलि दी थी और महाराणा कुंभा जी का मार्गदर्शन किया था। तो बादल महल में यहाँ पर उनका ये मंदिर बनाया गया है और रोज उनकी पूजा भी की जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो उस समय का जो बरसात का पानी हुआ करता था तो ऊपर पहाड़ी से इस छिद्र के माध्यम से यहाँ पर गिरता था, यहाँ से गिर के और फिर वो जाता था यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में एक छिद्र बना हुआ है यहाँ पर, जो अभी फिलहाल में बंद है, तो इससे रिस करके पानी एक टैंक उधर बना हुआ है, उस टैंक में जाया करता था। और
उस टैंक में पहुंचने के बाद पानी एकदम साफ हो जाता था और यहाँ पर उपयोग में लिया जाता था। आइए वो टैंक भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वही टैंक है। इस टैंक को आप देखिए तो इसी टैंक में बरसात का सारा पानी स्टॉक हुआ करता था राजा महाराजाओं के समय, ताकि किले में कभी भी पानी की कमी ना आए, क्योंकि कभी कभी युद्ध हो जाते हैं तो बाहर से पानी नहीं ला जाया सकता, इसीलिए इस टैंक में पानी हमेशा स्टॉक किया जाता था। यहाँ से भी जो बरसात का पानी होता था तो यहाँ से भी जाने के लिए अंदर पानी के लिए जगह बनी हुई, यहाँ पर पानी आता था और फिर इस नाली के माध्यम से अंदर पहुँच जाया करता था।